प्रार्थना बस दो मिनट। बहुत गलत किया मैंने, यही बताने आए हो ना? नहीं मां, इस घर में कौन कितना गलत है मैं सब जानता हूं। आपके साथ इस घर में जो भी होता आया, मॉम आई फील वेरी बैड फॉर यू। प्लीज डोंट सिंपथाइज विद मी, आई डोंट नीड योर सिंपथी। मैं अकेली ही ठीक हूं, किसी की कोई जरूरत नहीं है मुझे। माना कि आप खुश नहीं है मॉम, लेकिन अपने दुख की वजह से आपको किसी और की खुशियां नहीं छीननी चाहिए। आखिर आप एक माँ है। मैं क्यों सोचूं किसी और की खुशी के बारे में? क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि मेरी खुशी किस में? माँ 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 का दर्जा दिया किसने मुझे इस घर में? उससे पहले पत्नी का दर्जा तो मिल जाए। मैं तो आज तक अपना वजूद ढूंढ रही हूं यहां इस घर में। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। और ये तो हमेशा से होता आया है अक्षय, अब नई बात क्या है? आई डू अंडरस्टैंड मॉम, लेकिन हमारे इन हालात की जिम्मेदार प्रार्थना तो नहीं है। आज उसका इस घर में पहला दिन है, कितने सपने लेकर आई होगी वो यहां, और हम उसका वेलकम ऐसे करेंगे? मॉम हम उसे सजा क्यों दें? प्रार्थना का गृह प्रवेश आपको ही करना चाहिए था मॉम, आपके आशीर्वाद से यह सफर शुरू करता तो ज्यादा अच्छा लगता मुझे। मैंने सोचा था कि आप मेरी फीलिंग्स को समझेंगी, मेरा साथ देंगी, लेकिन मिसेस डिसूजा, बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे एक मां की तरह ही पाला है, क्या आप प्रार्थना का गृह प्रवेश करेंगी? रुकिए मिसेस डिसूजा, सॉरी प्रार्थना, गृह प्रवेश के लिए मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया। अपनी बहू का गृह प्रवेश मैं खुद करूंगी।
खुश रहूं। बस तुमसे इतना ही कहूंगी कि अपने वजूद को रिश्तों की भीड़ में खो मत देना और मेरे अक्षय का ध्यान रखना। गॉड, ये शादी भी ना, इतने सारे लोग, इतने मेहमान, सबके साथ मुस्कुराना पड़ रहा था। कैसे हैं आप? ठीक है? Oh God, I'm so tired. Really, these weddings are so hectic. ये पर्स संभाल के रखिएगा, कहीं आपकी कीमती चीज खो ना जाए। गिफ्ट मेरे पर्स में? टू सिद्धि। Beautiful. इससे पहले कि तुम मेरा नाम पढ़कर इस गिफ्ट को उठाकर फेंको, एक बार अपने दिल की आवाज जरूर सुन लेना। वो आवाज जो अब मेरे दिल की धड़कन बन चुकी है। I love you. मैंने वो किया जो मेरे दिल ने कहा, लेकिन अब बारी तुम्हारी है। वो आवाज जो अब मेरे दिल की धड़कन बन चुकी है। मैंने वो किया जो मेरे दिल ने कहा, लेकिन अब बारी तुम्हारी है। क्या तुम्हें तुम्हारी वो तस्वीर याद है प्रार्थना, जो मैंने बनाई थी? आज जो हकीकत में मेरे सामने है, मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है प्रार्थना। एक बात पूछूं? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारा हक है, पूछो। मम्मी जी ने पहले गृह प्रवेश की रस्म करने से इनकार क्यों किया? वो कुछ परेशान लग रही थी। अब नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी एक बात का गुस्सा किसी और बात पर निकाल देते हैं। कुछ ऐसा सीरियस नहीं था। मगर प्रार्थना, आज हमारी सुहागरात है और तुम्हें सारी दुनिया का दिल का हाल जानना है, अपने पति के दिल की बात नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे समझो, मैं तुम्हें समझूं, और हम इन फासलों को नजदीकियों में बदलते। ये क्या कर रहे हो?
अब जिंदगी भर के लिए तुम्हें अपने दिल में बंद कर दिया है मैंने। ये तुम्हारे लिए, नई दुल्हन के लिए इस छोटे से तोहफे से ज्यादा और कुछ नहीं है मेरे पास। आपने जो प्यार और आशीर्वाद हमें दिया है उससे कीमती गिफ्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। खुश रहो, लेकिन आज के बाद कभी हमारे पांव नहीं छूना। मैं इस घर में सर्वेंट हूं। आप इस घर में क्या है ये हम नहीं जानते, पर हाँ इतना जरूर जानते हैं कि आप हमारी माँ समान हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड तुम्हें हमेशा हैप्पी रखे। आरती लीजिए। इसकी प्रार्थना तो इसे मिल गई है, अब ये आरती क्यों लेगा? प्रार्थना, कल से आरती पूजा सब अपने कमरे में ही कर लेना। सुबह सुबह तुम्हें देखने के लिए यहां तक तो नहीं आना पड़ेगा ना? पूजा मंदिर में की जाती है, और जब इतना बड़ा पूजा घर यहाँ पर है तो हम रूम में पूजा क्यों करें? लीजिए भैया। थैंक यू। प्रार्थना, तो तुम पूजा कर रही थी? जी भाभी। जी भाभी, लीजिए। पूरे घर को जगा दिया तुमने। आई होप यू डोंट माइंड, लेकिन अगर कल से पूजा करनी हो तो थोड़ी धीमी आवाज में करना। अननेसेसरली सबकी नींद डिस्टर्ब हो जाती।
कल से पूजा अपने कमरे में ही करना। यहाँ सबको अपनी पर्सनल स्पेस पसंद है। देखो प्लीज अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मुझे जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस जाना है। मिसेस डिसूजा, यस, प्लीज मेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर दीजिए। ओके। मिसेस डिसूजा, आज का नाश्ता हम बनाएंगे किचन का। अरे बेटा मैं कर लूंगी ना, इस घर में आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम। ओहो मिसेस डिसूजा, इसलिए तो हम बना रहे हैं। ये रिवाज होता है ना कि नई दुल्हन अपने ससुराल वालों के लिए ये शाही हलवा बनाती है, शगुन होता है, और उसके बाद उसके सास ससुर हलवा खाकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद और शगुन देते हैं, जो कि भगवान के आशीर्वाद से भी बढ़कर होता है। मिसेस डिसूजा, जरा शक्कर पास कीजिए ना प्लीज। ये सिद्धि दीदी, सिद्धि दीदी उठिए ना, आपके लिए फोन है, उठिए ना। हेलो, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? मिस्टर देहा थे गुस्ताखी, माफ, हमने आपको नींद से जगाया, बस हमें लगा कि आपने हमें याद किया, हमने आपको फोन किया। क्या आपने हमें याद किया? आपकी चुप्पी बता रही है कि आप हमारे बारे में ही सोच रही थी। वैसे हम तो सिर्फ आपको ही याद करते रहते हैं। इस गलत फहमी में मत रहना, दुनिया में अच्छे लड़कों की कमी नहीं है, जो मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। अब तो हमें यकीन हो गया है कि आप हमारे बारे में ही सोच रही थी। जिस शराब ओके, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कूल डाउन मैम, हमारी हिम्मत का सैंपल नमूना अब आप देखेंगे। मतलब कुछ नहीं, फोन रखते ही आपको नीचे से बुलावा आएगा और आपको पता चलेगा कि इस देहाती में कितनी हिम्मत है। हेलो, देखो डोंट एक्ट टू स्मार्ट ओके, तुम फोन नहीं रखोगे। हेलो हेलो हेलो, सिद्धि दीदी, सिद्धि दीदी आपको नीचे बुलाया है। फोन रखते ही आपको नीचे से बुलावा आएगा और आपको पता चलेगा कि इस देहाती में कितनी हिम्मत है। अरे ये फूल किसने भेजे हैं? किसके लिए भेजे हैं? देखो शायद नाम होगा। किसी पर भी नाम नहीं लिखा है क्या? भैया को मना किया तो फिर भी चले गए। फूल पसंद आए? यू मिस्टर देहाती। एनीवेज आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। ये तुमने क्या किया? अब जब सब मुझसे पूछेंगे तो कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि इन फूलों पर किसका नाम लिखा है ये सिर्फ आप जानती हैं या फिर मैं। देखो ना सिद्धि, किसी ने इतने सारे फूल भेजे हैं और ना जिसने भेजा है उसने अपना नाम लिखा है और जिसको भेजा है उसका भी नहीं लिखा। कितना बेवकूफ है ना वो। बेवकूफ लीजिए, आपकी खातिर दुनिया के आगे बेवकूफ भी बन गए। आप मुस्कुराते हुए और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। यहां मत देखिए मैम, अपने दिल में देखिए। देखिए मिस्टर देहाती, देखना तो आपको है क्योंकि अब बारी आपकी है। हम तो अपना दिल देख भी चुके हैं और आपके सामने रख भी चुके हैं, और फैसला अब आपको करना है। लेकिन सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि आपकी हाँ या ना के साथ एक बड़ी जिंदगी जुड़ी हुई है। बोलो हाँ या ना। लुक मिस्टर, हाँ या ना। देखो क्या, जिस सवाल से जिंदगियां जुड़ी हो
उसके जवाब में वक्त तो लगता है ना। वक्त? एक पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है प्यार के लिए, और आपको उसके इजहार के लिए वक्त चाहिए। हाँ, अगर आपकी जिंदगी में कोई और है तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ठीक है, अभी 9 बजे और आपके पास 2 बजे तक का वक्त है। एक हाँ के लिए 5 घंटे तो काफी होते हैं। अगर आप हाँ कहेंगी तो हम एक शानदार से रेस्टोरेंट में लैविश लंच करेंगे, और अगर आप ना कहेंगी तो हम एक साथ कॉफी भी नहीं पी सकते। बट सिर्फ 2 बजे तक का वक्त। बाय। अभी 9 बजे और आपके पास 2 बजे तक का वक्त है। एक हाँ के लिए 5 घंटे तो काफी होते हैं, और अगर आप ना कहें तो हम एक साथ कॉफी भी नहीं पी सकते।